हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। आज के दिन मार्केट ने का तांडव और उस तांडव पर नाची हम ट्रेडर्स। क्यों, सभी को नाच करवाया ना आज अच्छा खासा। तो अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो एक गैप डाउन ओपनिंग होती है 16,021 की, और वहीं पर अपने दिन का हाई बनाता है 16,041 का, और फिर पूरा का पूरा दिन नीचे की साइड जाता है और हमें पूरा का पूरा आज वीकली एक्सपायरी ड्रामा देखने को मिला है। और आज के दिन का लो बनता है 15,735 का और क्लोजिंग होती है मार्केट 15,808 पर। आज के दिन पूरा का दिन पूरा दिन मार्केट पूरी की पूरी वीक रही है, और पुट का रेशियो भी 0.70 से नीचे था, इसलिए हम शॉर्टिंग पर भी जा नहीं सकते थे। और वैसे भी वीकली एक्सपायरी ड्रामा में ना कॉल और पुट में काम थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए। अब अगर हम आज FIAs DIAs की बात करें तो FIAs ने आज फिर से तबाही मचाई है और उन्होंने 5,200 करोड़ की सेलिंग करी है, और DIAs ने फिर भी काफी हद तक मार्केट को बचाने की कोशिश की और 4,800 करोड़ की बाइंग करी है। देखो, जिस तरीके से FIAs लगातार बेच रहे हैं वो DIAs लगातार खरीद रहे हैं। ऑब्वियसली DIAs इस टाइम मार्केट को बचाने की बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि DIAs के पास पैसा खत्म होने वाला है, पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट को अब नई रैली के लिए जब तैयार होना है तो उन्हें FIAs के पैसे की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए जब तक FIAs की सेलिंग बाइंग में नहीं बदलेगी, हम नई रैली के लिए तैयार नहीं होंगे और मार्केट में वॉलेटिलिटी ऐसे ही बनी रहेगी। अब अगर हम वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स IPO का मैं अपना फाइनल डिसीजन बताऊं तो मैं इस IPO को अपने हर फैमिली मेंबर की ID से बिंदास होकर अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये IPO बाकी दोनों IPO से बेटर भी है और इस IPO की वैल्यूएशन भी ओके है, तो मैं इस IPO में इजीली अप्लाई कर रहा हूँ। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अगर मेजर रजिस्टेंस की बात करें तो हमें मेजर रजिस्टेंस मिलने वाला है 16,100 का, और अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 15,700 की हमें मेजर सपोर्ट मिलने वाली है। अब मार्केट इतना ज़्यादा टूट रहा है लगातार काफ़ी दिनों से। अब अगर मार्केट में कभी भी हमें डेड कैट बाउंस देखने को मिलता है, अब वो डेड कैट बाउंस होगा या रिवर्सल होगा वो हमें बाद में ही पता लगेगा, बट अभी हमें एक डेड कैट बाउंस देखने के पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है। और अगर हमें डेड कैट बाउंस देखने को मिल रहा है तो वहां पर सिर्फ हम स्विंग ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं, और वो भी उन्हीं शेयर्स पे जहाँ पर या तो काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है शेयर्स की, जहाँ पर हमें मीन रिवर्सल देखने को मिले, या फिर जो शेयर स्पॉट पे मिल रहा है वहां पर हम एज ए स्विंग ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारा जहाँ पर स्टॉप लॉस मैक्सिमम 1% ही रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट की हालत काफी ज्यादा वीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।